हेलो डियर स्टूडेंट्स, और वंस अगेन आप सभी का वेलकम इस क्लास में। हम क्लास 12 का केमिस्ट्री पढ़ रहे हैं और उसमें सॉल्यूशन वाला चैप्टर है वो हमने स्टार्ट किया था। इसका एक लेक्चर हो चुका है प्रीवियस क्लास में, और आज की क्लास में जो हम पढ़ने वाले हैं वो है मेथड ऑफ एक्सप्रेसिंग कंसंट्रेशन। सॉल्यूशन के कंसंट्रेशन को अलग अलग तरीके से हम उसको एक्सप्रेस करते हैं, तो वो हम पढ़ने वाले हैं। हालांकि ये टॉपिक जो है आप क्लास 11th में पहले भी पढ़ चुके हैं, लेकिन क्योंकि इस चैप्टर में इसकी बहुत ज़रूरत है इसलिए हम इसको जल्दी से रिवाइज करेंगे। तो लिख लीजिए हेडिंग मेथड ऑफ एक्सप्रेसिंग कंसंट्रेशन, और में फर्स्ट टॉपिक है, फर्स्ट मेथड ऑफ कंसंट्रेशन है मास परसेंटेज और परसेंटेज बाय मास। ठीक है, लिख लीजिए मास परसेंटेज और परसेंटेज बाय मास। सबसे पहले इसका डेफिनेशन लिखिए। डेफिनेशन क्या कहता है? इट इज द अमाउंट ऑफ सॉल्यूट इन ग्राम्स प्रेजेंट इन 100 ग्राम ऑफ सॉल्यूशन। ठीक है, फिर से मैं बोलूंगा, इट इज द अमाउंट ऑफ सॉल्यूट इन ग्राम्स प्रेजेंट इन 100 ग्राम ऑफ सॉल्यूशन। और इसका जो फॉर्मूला है लिख लीजिए, दैट इज मास परसेंटेज विल बी इक्वल टू मास ऑफ सॉल्यूट डिवाइडेड बाय मास ऑफ सॉल्यूशन। मास ऑफ सॉल्यूट डिवाइडेड बाय मास ऑफ सॉल्यूशन इनटू 100। तो ये जो फॉर्मूला आप नोट कर लीजिए, इस फॉर्मूले से हम मास परसेंटेज निकालते हैं किसी भी सॉल्यूशन का। तो देखिए यहाँ डेफिनेशन क्या कह रही है कि 100 ग्राम सॉल्यूशन में कितना सॉल्यूट प्रेजेंट है, ये फॉर्मूला आपको वही बताता है। आया समझ में? तो ये तो हुआ फॉर्मूला, इसके ऊपर अब हम एक क्वेश्चन करके देखते हैं। तो देखिए ये क्वेश्चन है, इसमें क्या लिखा है, कैलकुलेट मास ऑफ केन सुगर एंड वाटर रिक्वायर्ड टू प्रिपेयर 250 ग्राम ऑफ 25% केन सुगर सॉल्यूशन। तो देखिए यहां पे क्या निकालना है, केन शुगर और वाटर इन दोनों का मास निकालना है। यानी केन शुगर यहाँ पे क्या है, एक सॉल्यूशन है जिसमें सॉल्यूशन में केन शुगर और वाटर है, तो केन शुगर हो गया सॉल्यूट और वाटर हो गया सॉल्वेंट। देखिए किसी भी सॉल्यूशन में मैक्सिमम केस में आपको जो वाटर है वो एक सॉल्वेंट ही रहेगा। तो यहाँ पे आपके लिए जो सॉल्यूट है, सॉल्यूट इज केन शुगर, सॉल्यूट केन सुगर है, और इसका मास कितना है, इसका मास नहीं मालूम है, हम मान लेते हैं इसका मास है x ग्राम। ठीक है, और इसमें सॉल्वेंट, ठीक है, सॉल्वेंट क्या है, सॉल्वेंट तो वाटर है, और इसका मास कितना है नहीं मालूम है, इसको मान लेते हैं y ग्राम। अब इसको दोनों को आपको निकालना है, और दिया क्या है, प्रिपेयर 250 ग्राम ऑफ केन सुगर सॉल्यूशन, यानी सॉल्यूशन का मास दिया है, सॉल्यूशन का मास है 250 ग्राम। अब सॉल्यूशन किससे बना है, सॉल्यूशन सॉल्यूट और सॉल्वेंट से ही तो बना है, इसका मतलब क्या है, x प्लस y इज इक्वल टू 250 ग्राम है, ये हमको पता है। साथ ही साथ ये 25% क्या है, ये दिया है मास परसेंट ऑफ सॉल्यूट पार्टिकल, यानी मास परसेंटेज ऑफ केन शुगर यहां दिया है, यानी इस फॉर्मूले में हमको क्या दिया हुआ, मास परसेंटेज दिया हुआ है, एंड मास परसेंटेज इज इक्वल टू 25, ये हमको दिया हुआ है। अब ये वैल्यू उस इक्वेशन में हम पुट करते हैं, तो देखिए क्या हो गया, मास परसेंटेज की जगह तो आप लिख लेंगे 25, देन मास ऑफ सॉल्यूट नहीं मालूम है, मास ऑफ सॉल्यूट हमने माना है दैट इज x ग्राम, तो यहां लिख लेंगे x डिवाइडेड बाय, यहां है मास ऑफ सॉल्यूशन, ध्यान रखेंगे मास ऑफ सॉल्यूशन में टोटल x प्लस y का जो वेट है दैट इज 250 ग्राम, सो मास ऑफ सॉल्यूशन इज 250 ग्राम, तो यहां हम लिखेंगे 250 और इंटू 100। अब ये एक सिंपल इक्वेशन मिल गया हमको, ये जीरो से एक जीरो कट जाएगा, इससे इसको मल्टीप्लाई कर देंगे, 25 इंटू 25 इज इक्वल टू एक्स इंटू 10 हो गया, 25 इंटू 25 हो जाएगा 625, और इस तरफ क्या हो गया, x इंटू 10। अब 10 को यहाँ डिवाइड कर देंगे तो क्या हो जाएगी x की वैल्यू, इट विल बी 62.5 ग्राम। ठीक है, तो ये किसका मास आ गया, दिस इज द मास ऑफ केन शुगर, ये हमें निकालना था, केन शुगर का आ गया। अब आप वाटर का निकाल सकते हैं, वाटर का कितना होगा, टोटल सॉल्यूशन का वेट माइनस वेट ऑफ केन शुगर, यानी y की जो वैल्यू है इस इक्वेशन से हम क्या लिख सकते हैं, 250 माइनस 62.5, और इसको माइनस कर लेंगे तो इसका आंसर आएगा 187.5 ग्राम। ठीक है, तो मास ऑफ वाटर इज 187.5 ग्राम और मास ऑफ सॉल्यूट इज 62.5 ग्राम, और ये इसका आंसर है।
नाउ नेक्स्ट मेथड ऑफ एक्सप्रेसिंग कंसेंट्रेशन इज परसेंटेज बाय वॉल्यूम। अभी हमने पिछले केस में परसेंटेज बाय मास देखा था, हम लिखिए परसेंटेज बाय वॉल्यूम, और इसका डेफिनेशन है इट इज द वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूट इन ml प्रेजेंट इन 100 ml ऑफ ए सॉल्यूशन। ठीक है, इट इज द वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूट इन ml प्रेजेंट इन 100 ml ऑफ ए सॉल्यूशन। तो जिस तरह हमने मास परसेंटेज वाले में द मास ऑफ सॉल्यूट इन ग्राम था इन 100 ग्राम ऑफ सॉल्यूशन, यहाँ पे सॉल्यूट का वॉल्यूम है इन ml इन 100 ml ऑफ सॉल्यूशन। और यहाँ पे जो इसका फॉर्मूला होता है तो परसेंटेज बाय वॉल्यूम इज इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूट, यहां पे वॉल्यूम लेना है आपको, तो वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूट अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन, ये ध्यान रखना ये वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन है, इनटू 100। यहां पे जो भी वॉल्यूम है यहां पे ये ml में होगा। तो यही फॉर्मूला यूज होगा इन केस ऑफ परसेंटेज बाय वॉल्यूम। तो जिस तरह परसेंटेज बाय मास का हम कॉन्सेप्ट यूज करते हैं वैसे ही परसेंटेज बाय वॉल्यूम का भी कॉन्सेप्ट है। तो ये हुआ सेकेंड मेथड। अब हम करेंगे थर्ड मेथड, दैट इज पार्ट पर मिलियन। देखिए अब थर्ड मेथड जो है जिस जो कंसेंट्रेशन को हम एक्सप्रेस करते हैं वो है पार्ट्स पर मिलियन, इसको शॉर्ट में हम PPM भी कहते हैं। हालांकि ये जो मेथड है बहुत कम यूज होता है, फिर भी आपके इन्फॉर्मेशन के लिए पार्ट पर मिलियन क्या हो गया, माने 1 मिलियन में कितने पार्ट हैं सॉल्यूट के, बस ये बताता है। इसको हम शॉर्ट में PPM कहते हैं, और इसका फॉर्मूला है PPM इज इक्वल टू मास ऑफ सॉल्यूट अपॉन मास ऑफ सॉल्यूशन, मास ऑफ सॉल्यूट अपॉन, अरे सॉल्यूट है, मास ऑफ सॉल्यूट अपॉन मास ऑफ सॉल्यूशन इनटू 10^6। ये इसका फॉर्मूला है, ठीक है, 10^6, क्योंकि 10^6 क्या होता है, ये 1 मिलियन होता है, इसलिए यहाँ पे हम 10^6 यहाँ पे मल्टीप्लाई करते हैं। हालांकि इसके ऊपर क्वेश्चन आपको जनरली नहीं आएगा, फिर भी आपके इन्फॉर्मेशन के लिए पार्ट पर मिलियन का ये फॉर्मूला होता है। तो इसके ऊपर हम ज़्यादा डिस्कशन नहीं करेंगे, अब हम बढ़ते हैं नेक्स्ट टॉपिक की तरफ जो कि है मोल फ्रैक्शन। तो लिखिए नेक्स्ट टॉपिक है मोल फ्रैक्शन, और एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इसके ऊपर काफी क्वेश्चंस आते हैं, तो इसको आप समझ लीजिए। हालांकि पहले भी पढ़ चुके हैं तो पहले इसकी डेफिनेशन लिख लीजिए। द रेशियो ऑफ नंबर ऑफ मोल ऑफ वन कंपोनेंट टू द टोटल नंबर ऑफ मोल ऑफ अ सॉल्यूशन इज कॉल्ड इट्स मोल फ्रैक्शन। ठीक है, मैं फिर से बोलूंगा, द रेशियो ऑफ द नंबर ऑफ मोल्स ऑफ द वन कंपोनेंट टू द टोटल नंबर ऑफ मोल ऑफ अ सॉल्यूशन इज कॉल्ड इट्स मोल फ्रैक्शन। तो ये हुई इसकी डेफिनेशन। अब इसको हम समझते हैं, मान लीजिए हमारे पास एक कंटेनर है, तो ये मैंने एक कंटेनर बना लिया, ठीक है। अब इसके अंदर दो कंपोनेंट है, तो जनरली हम जानते हैं सॉल्यूशन में दो कंपोनेंट सॉल्यूट और सॉल्वेंट का होता है, तो फिलहाल अभी एक कंपोनेंट को हम बोल रहे हैं ए। तो इसके अंदर ये ए के क्या है, मॉलिक्यूल्स हैं, और इसके अंदर बी भी है, बी ये है, ठीक है। तो इसमें से एक होगा सॉल्यूट एक होगा सॉल्वेंट, अभी हमें उसमें नहीं जाना है, अभी हम मोल फ्रैक्शन डिस्कस कर रहे हैं। तो देखिए यहाँ पे दो कंपोनेंट है सॉल्यूशन में, एक ए के भी कंपोनेंट है बी के भी कंपोनेंट है, और मान लेते हैं एन ए जो है दिस इज नंबर ऑफ मोल्स ऑफ ए कंपोनेंट, वैसे ही एन बी जो है इट इज नंबर ऑफ मोल्स ऑफ बी कॉम्पोनेंट। तो ए के कितने मोल है इसमें, एन ए, बी के कितने मोल है, एन बी है। अब अगर आपसे पूछे केवल ए का मोल फ्रैक्शन कितना है इसमें, तो हम बोलेंगे ए का मोल फ्रैक्शन है एक्स ए, एक्स ए से रिप्रेजेंट करते हैं मोल फ्रैक्शन ऑफ ए, और इट इज इक्वल टू नंबर ऑफ मोल ऑफ ए अपॉन टोटल नंबर ऑफ मोल्स। टोटल नंबर ऑफ मोल्स कितना होगा, ये दोनों का मोल का सम, दैट इज एन ए प्लस एन बी। तो ये हुआ मोल फ्रैक्शन ऑफ ए। वैसे अगर मैं पूछूं कि मोल फ्रैक्शन ऑफ बी क्या होगा, तो इट इज मोल फ्रैक्शन नंबर ऑफ मोल ऑफ बी डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ मोल, दैट इज एन ए प्लस एन बी। तो ये ऐसे आप निकाल सकते हैं एक्स भी, ठीक है। तो किसी का भी आप निकाल सकते हैं इस तरीके से मोल फ्रैक्शन। यहाँ दो कंपोनेंट है, अगर तीसरा कंपोनेंट सी भी होता तो हम एक्स सी लिखते एंड एन सी अपॉन एन ए प्लस एन बी प्लस एन सी, तीनों कंपोनेंट आ जाता है इसमें। तो यहाँ पे हमने ढाले की दो कंपोनेंट के लिए फॉर्मूला लिखा है, अगर सॉल्यूशन में तीन कंपोनेंट हो चार कंपोनेंट हो तब भी ये फॉर्मूला अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है, ये समझ में आया। अब एक और इसमें इंपॉर्टेंट कंक्लूजन ये है कि मोल फ्रैक्शन ऑफ ईच कंपोनेंट जो है इसका अगर सम करते हैं तो ये हमेशा वन आता है, यानी एक्स ए प्लस एक्स बी करेंगे तो उसकी वैल्यू वन आएगी। तो जैसे मान लेते हैं यहाँ हम करते हैं लेट्स ए एक्स ए प्लस एक्स बी,
अगर हम इसको करना चाहें तो ये क्या होगा, एन ए अपॉन एन ए प्लस एन बी प्लस एन बी डिवाइडेड बाय एन ए प्लस एन बी होगा। और जब इन दोनों को आप सम करेंगे, डिनोमिनेटर तो सेम है, न्यूमिनेटर ऐड हो जाएगा, तो ये एन ए प्लस एन बी डिवाइडेड बाय एन ए प्लस एन बी हो गया और दोनों कैंसिल होके हो जाएंगे वन। ठीक है, इसका कंक्लूजन क्या निकला, यानी जो भी मोल फ्रैक्शन इंडिविजुअल मोल फ्रैक्शन उसको सम करेंगे तो उसका सम हमेशा आएगा वन। तो इस तरह से हम लिख सकते हैं एक्स ए प्लस एक्स बी हो गया वन। और इससे एक और हम कंक्लूजन निकाल सकते हैं कि हमें एक्स ए को एक्स बी के टर्म्स में निकाल सकते हैं, दैट इज एक्स ए इज इक्वल टू वन माइनस एक्स बी, ऐसे भी लिख सकते हैं, और ऐसे भी लिख सकते हैं एक्स बी इज इक्वल टू वन माइनस एक्स ए। ठीक है, तो अगर आपको एक्स ए पता है तो आपको उससे एक्स बी निकाला जा सकता है, भले ही आपको मोल फ्रैक्शन एन बी ना पता हो। वैसे ही अगर एक्स बी पता है तो उससे आप एक्स ए निकाल सकते हैं। तो ये रिलेशन भी यूज कर सकते हैं, ये रिलेशन भी यूज करते हैं डिपेंडिंग अपॉन द सिचुएशन। तो ये है इसका फॉर्मूला। अब इसका हम एप्लीकेशन देखेंगे क्वेश्चन में। तो ये देखिए क्वेश्चन है, यहाँ पे क्या लिखा है, अ सॉल्यूशन इज प्रिपेयर्ड बाय डिसॉल्विंग 18 ग्राम ऑफ ग्लूकोज इन 90 ग्राम ऑफ वाटर, कैलकुलेट मोल फ्रैक्शन ऑफ ग्लूकोज एंड वाटर, और ग्लूकोज का यहाँ मॉलिकुलर मास दिया है दैट इज 180 ग्राम। तो ठीक है, तो यहाँ पे देखिए सिचुएशन क्या है, हमारे पास मान लीजिए एक ग्लास है, इस ग्लास में वाटर है, कितना वाटर है, दिस इज अबाउट 90 ग्राम ऑफ वाटर। ठीक है, तो वाटर एक्चुअली सॉल्यूशन में क्या हो गया, सॉल्वेंट हो गया, तो हमारे पास सॉल्वेंट का मास दिया है। ठीक है, कितना दिया है 90 ग्राम। अब इसमें हम डाल रहे हैं क्या, ग्लूकोज हमने इसमें पानी में मिक्स कर दिया, ग्लूकोज कितना ग्लूकोज डाला है 18 ग्राम डाला है, तो हमने ऊपर से 18 ग्राम ग्लूकोज इसमें डाल दिया है, तो अब ये सॉल्यूशन बन गया। तो एक सॉल्यूशन है हमारे पास ग्लूकोज वाटर का, जिसमें से ग्लूकोज है 18 ग्राम और वाटर का जो है मास दैट इज 90 ग्राम। अब मोल फ्रैक्शन आपको निकालना है, तो देखिए यहाँ पे दो कंपोनेंट है हमारे पास, एक कंपोनेंट है वाटर जो कि सॉल्वेंट है, दूसरा कंपोनेंट है ग्लूकोज। तो हमको क्या करना पड़ेगा, मोल फ्रैक्शन दोनों का निकालना है, तो सबसे पहले नंबर ऑफ मोल्स दोनों के निकालने पड़ेंगे। तो नंबर ऑफ मोल्स आपको निकालना है, तो नंबर ऑफ मोल्स वाला आपको फॉर्मूला यूज करना पड़ेगा। नंबर ऑफ मोल का क्या फॉर्मूला है, दैट इज द गिवन मास ऑफ दैट कंपोनेंट डिवाइडेड बाय मॉलिकुलर मास। तो ये एक इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है नंबर ऑफ मोल निकालने का, आप इसको भी लिख लीजिए। और देखिए अब इसकी मदद से हम कैसे निकालेंगे, तो सबसे पहले ग्लूकोज का हमें नंबर ऑफ मोल निकालना है, तो इसको हम कर देते हैं n और यहां लिख देते हैं जी। एन जी का मतलब हो गया नंबर ऑफ मोल ऑफ ग्लूकोज, और ये क्या होगा गिवन मास। तो गिवन मास ग्लूकोज का हमें मास कितना दिया हुआ, कितना हमारे पास ग्लूकोज है एक्चुअली, तो ये हमारे पास 18 ग्राम है, डिवाइडेड बाय मॉलिकुलर मास ऑफ ग्लूकोज, मॉलिकुलर मास ऑफ ग्लूकोज दिया हुआ है ये 180 ग्राम, तो यहां डिवाइड में 180 करेंगे तो ये कैंसिल होकर क्या हो जाएगा 1/10 और क्या होगा पॉइंट में 0.1। तो ग्लूकोज का नंबर ऑफ मोल हो गया हमारे पास 0.1। अब हम निकालेंगे वाटर का नंबर ऑफ मोल, तो इसको हम कर देते हैं NW, मतलब वाटर का नंबर ऑफ मोल्स निकालना है। तो गिवन मास ऑफ वाटर यानी वाटर एक्चुअली कितना है हमारे पास अभी, दैट इज 90 ग्राम, तो यहाँ लिखेंगे 90 डिवाइडेड बाय मॉलिकुलर मास ऑफ वाटर। मॉलिकुलर मास ऑफ वाटर क्या है हम जानते हैं अच्छी तरीके से, ये होता है 18। ठीक है, अब इसको हम सॉल्व कर लेंगे तो ये क्या होगा, तो ये 9 2 जो हो गया, ये 9 10 जो 90 एंड 2 1 जो 2 5 जो 10, तो ये क्या होगा 5। तो नंबर ऑफ मोल है पर लीटर दैट इज विच इज इक्वल टू 5, और फॉर वाटर एंड फॉर ग्लूकोज है 0.1। अब हमारे पास एन ए एन बी की वैल्यू आ गई, अब हम निकाल सकते हैं मोल फ्रैक्शन ऑफ ग्लूकोज। मोल फ्रैक्शन ऑफ ग्लूकोज क्या होगा, दैट इज एक्स जी इक्वल टू क्या होगा, दैट इज एन जी ग्लूकोज का डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ मोल दैट इज एन जी प्लस एन डब्ल्यू, और ये यहाँ कितना हो जाएगा एन जी, देखिए कितना है ये 0.1 डिवाइडेड बाय एन जी हो गया 0.1 प्लस एन डब्ल्यू है 5। तो इसको हम लिख सकते हैं दिस इज इक्वल टू 0.1 डिवाइडेड बाय 5 प्लस 0.1 कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 5.1। अब इसको हम लिखेंगे तो इसकी वैल्यू कितनी आएगी डिवाइड करके, तो इसकी वैल्यू आएगी 0.019, अप्रॉक्सीमेटली 0.019 इसकी वैल्यू आएगी। तो हम इसको राउंड फिगर में अगर कन्वर्ट कर दें तो इसको ऐसे भी लिख सकते हैं 0.019
0.02, ठीक है, 0.019 को 0.02 कर सकते हैं। तो एक्स जी आ गया हमारे पास 0.02। अब आप डायरेक्टली एक्स डब्ल्यू निकाल सकते हैं, मोल फ्रैक्शन ऑफ वाटर। हमको क्या पता है, मोल फ्रैक्शन ऑफ ग्लूकोज प्लस मोल फ्रैक्शन ऑफ वाटर होगा 1। तो अब आपको ये निकालने के लिए हम क्या कर सकते हैं, सिंपली 1 से माइनस कर दें इसको। तो एक्स डब्ल्यू यानी मोल फ्रैक्शन ऑफ वाटर विल बी इक्वल टू 1 माइनस एक्स जी, 1 माइनस 0.02 हो जाएगा। और इसको हम माइनस करेंगे तो कितना आएगा, 0.98। तो मोल फ्रैक्शन ऑफ वाटर कितना आ रहा है, 0.98 आ रहा है, एंड मोल फ्रैक्शन ऑफ ग्लूकोज कितना आ रहा है, दैट इज 0.02। अगर आप चाहें इस फॉर्मूले से भी निकाल सकते हैं, जैसे मैं ये वाला फॉर्मूला लगाऊं, एक्स डब्ल्यू विल बी इक्वल टू एन डब्ल्यू अपॉन एन डब्ल्यू प्लस एन जी। इस फॉर्मूले से भी मोल फ्रैक्शन निकालेंगे तो उसकी वैल्यू इतनी ही आएगी, चाहे तो आप करके देख सकते हैं। अब नेक्स्ट टॉपिक लिख लीजिए मोलैरिटी, और ये सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि सबसे ज़्यादा जो क्वेश्चन बनते हैं मोलैरिटी के ऊपर ही बनते हैं। तो सबसे पहले आप हेडिंग लिख लीजिए मोलैरिटी, इसको हम कैपिटल एम से रिप्रेजेंट करते हैं, और इसकी डेफिनेशन लिख लीजिए, इट इज़ द नंबर ऑफ मोल ऑफ सॉल्यूट पर लीटर वॉल्यूम ऑफ ए सॉल्यूशन। ठीक है, इट इज़ द नंबर ऑफ मोल ऑफ सॉल्यूट पर लीटर ऑफ द सॉल्यूशन। तो ये हुआ इसका डेफिनेशन, और इसका जो फॉर्मूला है इस तरीके से है। तो देखिए, इसके जो है अलग अलग फॉर्म के अलग अलग फॉर्मूले हैं, तो मैं सारे फॉर्मूले आपको डिस्कस करके बता दूंगा कि वो कैसे आए हैं, क्या है। तो जो सबसे बेसिक फॉर्मूला पहले हम वो लिखेंगे, फिर उसके बाकी फॉर्मूले भी, अदर फॉर्म भी डिस्कस करेंगे। तो जो सबसे बेसिक फॉर्मूला है, दैट इज एम इज इक्वल टू नंबर ऑफ मोल ऑफ सॉल्यूट। ये सॉल्यूट का है, देखिए ध्यान रखना, कहाँ सॉल्यूट, कहाँ सॉल्वेंट और कहाँ सॉल्यूशन का टर्म यूज हो रहा है, डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन। यहाँ पे सॉल्यूशन है, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर्स। ठीक है, तो यही फॉर्मूला है मोलारिटी का, नंबर ऑफ मोल ऑफ सॉल्यूट इन पर वॉल्यूम ऑफ ए सॉल्यूशन इन लीटर। ठीक है, या नंबर ऑफ मोल ऑफ सॉल्यूट अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर। तो ये इसका फॉर्मूला है। तो इसका मतलब क्या होता है, ये फॉर्मूला क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, कि एक लीटर यानी पर लीटर ऑफ सॉल्यूशन में कितने सॉल्यूट के नंबर ऑफ मोल है, और उसी से उसका कंसंट्रेशन पता चलता है। देखिए, इसकी हम एसआई यूनिट भी डिफाइन करते हैं। इसकी एसआई यूनिट क्या होती है, इट इज मोल पर लीटर। ठीक है, ऐसा यूनिट होती है इसकी, मोल पर लीटर। तो ये ध्यान रखेंगे, इसके पहले जो हमने देखा था मोल फ्रैक्शन, वो तो डायमेंशनलेस क्वांटिटी है, नंबर ऑफ मोल अपॉन नंबर ऑफ मोल था, बट ये डायमेंशनलेस नहीं है, इसकी यूनिट है, दैट इज मोल पर लीटर। तो आया समझ में। अब देखिए, इसका हम एप्लीकेशन समझते हैं क्वेश्चन के द्वारा। तो ये देखिए, क्वेश्चन दिया हुआ है, हालांकि थोड़ा सा लंबा क्वेश्चन है, लेकिन इस क्वेश्चन को करने के बाद आपको मोलैरिटी के सारे जो डाउट्स हैं क्लियर हो जाएंगे। तो क्वेश्चन पहले पढ़ लेते हैं। देखिए क्या दिया है, कैलकुलेट द मोलैरिटी ऑफ फॉलोइंग सॉल्यूशन। यहाँ पे तीन सॉल्यूशन दिया है, तीनों का आपको मोलैरिटी निकालना है, तो हम एक एक करके करेंगे। तो सबसे पहला वाला आप देखिए, 4 ग्राम ऑफ कॉस्टिक सोडा डिजॉल्व इन 200 ml ऑफ सॉल्यूशन। तो यहाँ क्या दिया है, एक सॉल्यूशन बना है, कैसे बना है, इसमें हमने डाला है कॉस्टिक सोडा। अब कॉस्टिक सोडा क्या होता है, दिस इज नथिंग सोडियम हाइड्रोक्साइड। सोडियम हाइड्रोक्साइड कितना डाला है इसमें, 4 ग्राम डाला है, और ये सॉल्यूशन में मिक्स हो गया है। तो सॉल्यूशन में मिक्स होने के बाद सॉल्यूशन का वॉल्यूम कितना है, 200 ml है, ये हमको दिया हुआ है। तो अब देखिए, मोलैरिटी का सबसे पहले आप फॉर्मूला लिखेंगे। मोलैरिटी का फॉर्मूला है नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर। ये फॉर्मूला है। तो सबसे पहले हमें नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट पता करना है। तो ये सॉल्यूट हमारे लिए क्या है, सॉल्यूट है NaOH, कॉस्टिक सोडा यानी सोडियम हाइड्रोक्साइड, जो कि हमारे पास गिवन उसका मास है 4 ग्राम। तो इससे आपको पहले निकालना पड़ेगा नंबर ऑफ मोल्स। तो नंबर ऑफ मोल्स इसके लिए हम N ले लेते हैं। नंबर ऑफ मोल का फॉर्मूला क्या है, मैं पहले भी आपको बता चुका हूँ, गिवन मास अपॉन मॉलिकुलर मास ऑफ द सॉल्यूट। गिवन मास यानी कितना मास आपका दिया हुआ है, अभी हमारे लिए एक्चुअल जो मास है सोडियम हाइड्रोक्साइड का, दैट इज 4 ग्राम।
ठीक है, डिवाइडेड बाय मॉलिकुलर मास ऑफ सोडियम हाइड्रोक्साइड। अब मॉलिकुलर मास तो आपको निकालना आता होगा, मास ऑफ सोडियम इज 23, ऑक्सीजन का 16 होता है, हाइड्रोजन का 1 होता है, सबको जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा, 40 आ जाएगा ये। तो 4/40 क्या हो गया, 1/10, इसको डेसिमल में कन्वर्ट करेंगे तो दिस विल बी 0.1। तो आपको इसका न्यूमरेटर वाला टर्म मिल गया, न्यूमरेटर कितना हो गया, नंबर ऑफ मोल ऑफ सॉल्यूट इज 0.1, तो मोलैरिटी इज इक्वल टू 0.1 डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन, इसको लीटर में कन्वर्ट करना है। अब ये 200 ml है, अब ml को लीटर में कन्वर्ट करना है, सिंपली आपको 1000 से डिवाइड करना है, तो इसको हम लिखेंगे यहां 200 डिवाइडेड बाय 1000 होगा तो ऊपर जाके 1000 मल्टीप्लाई होगा, तो इस तरीके से हो जाएगा ये 1000, इसमें से दो जीरो कट जाएगा और 10 और 0.1 ऊपर बचा है, मल्टीप्लाई होगा तो ये क्या हो गया, 1 हो गया और नीचे बचा 2। अब 1/2 को डेसिमल में आप कन्वर्ट करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, दिस विल बी 0.5 मोलर, ठीक है, 0.5 ये मोल पर लीटर है और इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं 0.5 मोलर सॉल्यूशन, ये हमको मिल गया। आप समझ में आया, तो ये हुआ फर्स्ट सॉल्यूशन की मोलैरिटी। अब वैसे ही हम लिखेंगे, हम करेंगे सेकंड वाले के लिए। देखिए अब सेकंड क्वेश्चन में क्या दिया है, 5.3 ग्राम ऑफ एनहाइड्रस सोडियम कार्बोनेट डिसॉल्व इन 100 ml ऑफ ए सॉल्यूशन। तो देखिए यहाँ पे सॉल्यूट क्या है, एनहाइड्रस सोडियम कार्बोनेट। तो सबसे पहले तो आपको ये पता होना चाहिए इसका फॉर्मूला क्या है। तो सोडियम कार्बोनेट तो आपको पता है, सोडियम कार्बोनेट होता है Na2CO3। एनहाइड्रस का मतलब हो गया कि इसमें कोई भी वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन नहीं है, मतलब एनहाइड्रस सोडियम कार्बोनेट इज सोडियम कार्बोनेट, ठीक है। तो इसका ये है, ये हमारे लिए सॉल्यूट हो गया, और कितना दिया है, सॉल्यूट दिया है हमारे लिए 5.3 ग्राम। तो सबसे पहले हम निकालेंगे नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट, ठीक है। तो उसके लिए आपको इसका पहले मॉलिकुलर मास निकालना पड़ेगा, तो Na2CO3 का मॉलिकुलर मास क्या होगा, सोडियम का होता है 23 और टू मॉलिक्यूल टू एटम्स है तो 2 × 23, प्लस कार्बन का 12 होता है, प्लस 3 × ऑक्सीजन का होता है कितना, 16। यहाँ पर 2 से इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो गया 46 प्लस 12 प्लस 48, और इन सबको अगर हम जोड़ देंगे तो ये आता है 106। तो मॉलिकुलर मास ऑफ सोडियम कार्बोनेट आ गया 106। तो इसका नंबर ऑफ मोल्स निकाल लेंगे, नंबर ऑफ मोल गिवन मास ऑफ सोडियम कार्बोनेट अपॉन मॉलिकुलर मास, गिवन मास इसका कितना दिया है, 5.3 दिया है, डिवाइडेड बाय 106, ये हमको दिया हुआ है। अब चाहे तो इसमें आप इसको काट भी सकते हैं, इसको हम लिख सकते हैं 0.1, 53 टू जा 106 होता है तो ये हो जाएगा 2, तो ये हो गया 0.1 अपॉन 2, और इसको ऐसे भी लिख सकते हैं हम 1/20 भी लिख सकते हैं, पॉइंट हटाएंगे और इसको फिर आप कन्वर्ट कर देंगे तो ये क्या हो जाएगा, n will be equal to 0.05। तो नंबर ऑफ मोल्स यहाँ पे कितना हो गया, 0.05। अब हम बात कर लेते वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन, यहाँ पे दिया है 100 ml, तो 100 ml को आप लीटर में कन्वर्ट करेंगे तो 1000 से डिवाइड कर देंगे, तो जब मोलैरिटी जब निकालेंगे, मोलैरिटी इज इक्वल टू नंबर ऑफ मोल अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर। नंबर ऑफ मोल हम ऑलरेडी निकाल चुके हैं, दैट इज 0.05, और वॉल्यूम निकालना है, इसको यहाँ लिख लेते हैं, यहाँ जगह कम है, तो नंबर ऑफ मोल हम निकाल चुके हैं 0.05, वॉल्यूम देखिए कितना है, 100 ml है, तो इसको हम मिली लीटर में कन्वर्ट करेंगे तो ऊपर आपको केवल 1000 से मल्टीप्लाई कर देना है, ठीक है। इसमें दो जीरो तो कट जाएगा, अब 10 × 0.05 है तो ये क्या हो जाएगा, ये भी 0.5 में कन्वर्ट हो जाएगा, तो इसकी मोलैरिटी क्या होगी, इसको हम बोलेंगे 0.4 मोलर सॉल्यूशन। तो सेकेंड वाले की भी जो मोलैरिटी आ रही है 0.5 आ रही है। अब ये थर्ड वाला क्वेश्चन देखेंगे हम, यहाँ क्या दिया है, 0.365 ग्राम ऑफ HCl गैस डिसॉल्व इन 50 ml ऑफ ए सॉल्यूशन। तो देखिए यहाँ पे आपको जो सॉल्यूट है ये HCl है और इसका ये मास दिया हुआ है, तो आपको पहले नंबर ऑफ मोल्स ऑफ HCl निकालना है, तो नंबर ऑफ मोल ऑफ HCl इज इक्वल टू गिवन मास अपॉन मॉलिकुलर मास ऑफ HCl। गिवन मास HCl का दिया हुआ, दिस इज 0.365, ठीक है। और HCl का मॉलिकुलर मास निकाल लेंगे आप, तो H होता है 1 और Cl होता है 35.5, तो दोनों को जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा, 36.5। आया समझ में, अब देखिए इसको हम सिंप्लीफाई करते हैं तो हम कैसे कर सकते हैं, इसका डेसिमल अगर हम हटाएंगे तो यही इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, दिस इज इक्वल टू 365 डिवाइडेड बाय 3
65 इंटू 1 अपॉन 100। जब इनका डेसिमल हटाएंगे तो ये 365 अपॉन 365 यहाँ पे 1 बाय 100 होगा, तो इसको ऐसे काट सकते हैं आप। तो एक्चुअली इसको हम डेसिमल में जब कन्वर्ट करेंगे तो ये 0.01 हो जाएगा। तो नंबर ऑफ मोल जो हमको मिल रहा है इस केस में दैट इज 0.01। अब हम क्या करते हैं, वॉल्यूम निकाल लेते हैं। वॉल्यूम जो है इट इज़ ऑलरेडी गिवन 50 ml, इसको कन्वर्ट करेंगे लीटर में तो आपको 1000 से डिवाइड करना है। तो मोलैरिटी का फॉर्मूला हम लगाते हैं, नंबर ऑफ मोल 0.01 डिवाइडेड बाय 50 और इसको 1000 से डिवाइड करेंगे तो 1000 ऊपर चला जाएगा इस तरीके से। अब इसका एक जीरो तो कट जाएगा, 100 और ये मल्टीप्लाई होंगे तो ये क्या हो गया, 1/5 हो गया। और 1/5 को डेसिमल में कन्वर्ट करेंगे तो इट इज़ 0.2 मोलर सॉल्यूशन। ठीक है, तो इसकी जो मोलैरिटी आ रही थर्ड सॉल्यूशन की दैट इज 0.2 मोलर। तो ये क्वेश्चन से आपको मोलैरिटी के कॉन्सेप्ट क्लियर हो गए होंगे, उसका फॉर्मूला समझ में आ गया होगा, एप्लीकेशन आपने देख लिया। अब हम मोलैरिटी का एक दूसरा फॉर्मूला देखते हैं इन टर्म्स ऑफ डेंसिटी। ये देखिए लिखा हुआ है m इज इक्वल टू एक्स डी इंटू 100 अपॉन एम बी। यहाँ पे ये टर्म क्या है एक बार समझ लीजिए, एक्स है मास परसेंटेज ऑफ सोल्यूट, डी है डेंसिटी इन ग्राम पर ml ऑफ सोल्यूशन, ये सोल्यूशन की डेंसिटी है, और एम बी है मॉलिकुलर मास ऑफ सोल्यूट। तो कभी अगर डेंसिटी के टर्म्स में कई बार आता है क्वेश्चन तो प्रीवियस वाला फॉर्मूला है उससे सॉल्व नहीं हो पाता है, तो हम इस फॉर्मूले से इसको सॉल्व कर सकते हैं। अब ये फॉर्मूला कहां से आया, तो इसका एक बार छोटा सा डेरिवेशन समझ लेते हैं। जैसे कि हमने यहां मान के रखा है x इज द मास परसेंटेज ऑफ सॉल्यूट एंड d इज द डेंसिटी इन ग्राम ml ऑफ सॉल्यूशन, तो ये डेंसिटी ऑफ सॉल्यूशन दिया है। अब इसी से अगर हम मास ऑफ सॉल्यूशन निकालें तो अगर हम मान लें मास ऑफ 1 लीटर, अब हमारे पास 1 लीटर का ही सॉल्यूशन है, मास ऑफ 1 लीटर ऑफ सॉल्यूशन, ठीक है, तो मास ऑफ 1 लीटर ऑफ सॉल्यूशन क्या होगा, मास क्या होता है डेंसिटी इंटू वॉल्यूम, तो यहां पे हम लिखेंगे डेंसिटी इंटू वॉल्यूम। तो डेंसिटी क्या हो गया, डेंसिटी तो डी हो गया, वॉल्यूम क्या है, क्योंकि यहां डेंसिटी पर ml में है और हमारे पास सॉल्यूशन 1 लीटर का है तो इसको हम ml में लिखेंगे तो वॉल्यूम इसका हो जाएगा 1000 ml। तो ये क्या निकलेगा, इससे मास ऑफ सॉल्यूशन निकलेगा ग्राम्स में, डेंसिटी क्या है ग्राम पर ml और ये क्या हो गया वॉल्यूम ml, तो ml ml कट गया, ये हमको मिला ग्राम। तो मास ऑफ 1 लीटर ऑफ सॉल्यूशन इससे आपको मिल गया। अब देखिए मास ऑफ सॉल्यूट इन 1 लीटर, मास ऑफ सॉल्यूट इन 1 लीटर, ठीक है, एक कंटेनर है हमारे पास, हम यहाँ क्या कंसिडर करके चल रहे हैं, इसमें सॉल्यूशन एक ही लीटर का है, एक सॉल्यूशन है उसका वॉल्यूम 1 लीटर है और इसका मास कितना है, इससे हमने निकाल लिया इसका जो मास है डी इंटू 1000 ग्राम, इसका मास है, इसमें सॉल्यूट भी होगा, सॉल्यूट कितना होगा, अब यहाँ परसेंटेज के टर्म्स में दिया है ना, तो 1 लीटर ऑफ सॉल्यूशन में कितना सॉल्यूट होगा, एक्स परसेंटेज है, तो यहाँ पे हम एक्स के टर्म्स में लिखेंगे, यानी किसका एक्स परसेंटेज, सॉल्यूशन के मास का एक्स परसेंटेज, तो सॉल्यूशन का मास ये है, इसका एक्स परसेंटेज निकालेंगे तो कैसे करेंगे, इसमें आपको एक्स बाय 100 से सिंपली डिवाइड करना है, तो डी इंटू 1000 ये टोटल मास ऑफ सॉल्यूशन, इसका एक्स परसेंटेज कैसे निकालेंगे, एक्स कर देंगे, इसका 2 जीरो कट जाएगा तो क्या बचा, दिस इज इक्वल टू एक्स इंटू डी इंटू 10 लिख सकते हैं, समझ में आया। अब देखिए मोलैरिटी का फॉर्मूला क्या है हमारे पास, नंबर ऑफ मोल, ठीक है, मतलब n, नंबर ऑफ मोल n किसका, सॉल्यूट का, डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर। अब नंबर ऑफ मोल का फॉर्मूला मैं आपको बता चुका हूं, गिवन मास ऑफ सॉल्यूट अपॉन मॉलिकुलर मास, तो मास ऑफ सॉल्यूट ये है, कितना है मास ऑफ सॉल्यूट, दिस इज x इंटू डी इंटू 10 डिवाइडेड बाय मॉलिकुलर मास, तो मॉलिकुलर मास को मैं mb से रिप्रेजेंट कर रहा हूँ, ये किसका है, ये सॉल्यूट का है, ये न्यूमरेटर होगा, डिनोमिनेटर में वॉल्यूम, वॉल्यूम ऑफ अ सॉल्यूशन इन लीटर। अब यहाँ पे जो है वॉल्यूम हमने कितना लिया, 1 लीटर का ही सॉल्यूशन लिया है, जब हम उसको लीटर के टर्म्स में लिखेंगे तो केवल 1 ही लिखेंगे यहाँ पे वॉल्यूम की जगह, तो मोलैरिटी क्या हो गया, x इंटू डी इंटू 10 डिवाइडेड बाय mb, ये mb, तो समझ में आया ये फॉर्मूला, तो ये वाला यही फॉर्मूला है, इस तरीके से आया है, तो डायरेक्टली आपको डिराइव नहीं करना है, मैंने समझाने के लिए बता दिया है, तो ये फॉर्मूला आप डायरेक्टली यूज करेंगे इन केस ऑफ व्हेन द क्वेश्चन इज गिवन इन फॉर्म ऑफ डेंसिटी। अब इसका एक क्वेश्चन करते हैं ताकि आपको समझ में आ जाए कि इसका एप्लीकेशन आपको किस जगह करना है। देखिए क्वेश्चन क्या दिया है इसमें, द डेंसिटी ऑफ ए सॉल्यूशन कंटेनिंग
13% बाय मास ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड इज 1.09 ग्राम पर एमएल, कैलकुलेट द मोलैरिटी ऑफ द सॉल्यूशन। तो यहाँ पे देखिए डेंसिटी के टर्म्स में दिया है, तो ये फॉर्मूला का एप्लीकेशन यहाँ पे होता है। तो देखिए इसमें क्या क्या दिया हुआ, तो यहाँ पे क्या दिया है, अ सॉल्यूशन इज 13% बाय मास ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड, मतलब यहाँ एक सॉल्यूशन है सल्फ्यूरिक एसिड, इसमें सॉल्यूट है और उसका मास परसेंटेज दिया, मतलब एक्स दिया है, एक्स दिया है 13, समझ में आया। साथ ही साथ इसमें क्या दिया, 1.09 ग्राम पर एमएल, ये क्या है, डेंसिटी है, तो डी दिया है 1.09 ग्राम पर एमएल, ठीक है। और इसमें क्या बोला, कैलकुलेट द मोलैरिटी ऑफ द सॉल्यूशन, तो इसमें एमबी आपको निकालना पड़ेगा। एमबी ये क्या है, मॉलिकुलर मास ऑफ सॉल्यूट, सॉल्यूट क्या है, सल्फ्यूरिक एसिड, सल्फ्यूरिक एसिड क्या होता है, H2SO4, तो ये हम जानते हैं H2SO4, सल्फ्यूरिक एसिड का मॉलिकुलर मास होता है 98 ग्राम, ठीक है। तो ये मॉलिकुलर मास यानी ये क्या है, ये एमबी है। अब बस आपको ये वैल्यू इसमें पुट करनी है और मोलैरिटी आ जाएगी, तो एक्स की जगह रखना है 13, डी की जगह रखेंगे 1.09 × 10 डिवाइडेड बाय एमबी, मतलब 98। अब इसको हम सिंप्लीफाई करेंगे तो इसकी वैल्यू आ जाती है 1.445 मोलर, तो ये सॉल्यूशन की जो मोलैरिटी है 1.445 मोलर सॉल्यूशन। तो ये आपको समझ में आया डेंसिटी वाला फॉर्मूला कैसे यूज करना है। अब देखिए नेक्स्ट जो है, हम मोलैरिटी ऑफ डाइल्यूशन, मोलैरिटी ऑफ डाइल्यूशन का क्या मतलब है, आपके पास एक कंटेनर है मान लीजिए, इसके अंदर सॉल्यूशन है, ठीक है, इसके अंदर क्या है, सॉल्यूट है, सॉल्यूट मिक्स है, साथ ही साथ इसमें सॉल्वेंट भी है, दोनों ही मिक्स है, और इसका कुछ ना कुछ मोलैरिटी होगा इस कंडीशन में। तो अभी मान लेते हैं इसका मोलैरिटी है M1 और इसका पूरे सॉल्यूशन कुछ वॉल्यूम है, दैट इज V1, ठीक है, मोलैरिटी इसका M1 और वॉल्यूम है V1। आफ्टर सम टाइम क्या करते हैं हम, इसमें सॉल्वेंट और मिक्स कर देते हैं, ठीक है, सॉल्वेंट हमने इसमें थोड़ा सा और डाल दिया, तो क्या होगा, इसका वॉल्यूम चेंज हो जाएगा। मान लेते हैं इसका वॉल्यूम हो गया V2। अब क्योंकि आपका वॉल्यूम चेंज हो गया है और तो और इसकी जो है मोलैरिटी वो भी चेंज हो जाएगी फिर, तो इसकी मोलैरिटी मान लेते हैं M2 हो गई। तो यहाँ पे क्या हो गया, सॉल्यूशन पहले इसकी मोलैरिटी वॉल्यूम कुछ था, फिर बाद में मोलैरिटी वॉल्यूम कुछ हो गया बाय एडिंग सम सॉल्वेंट। तो इसमें आप रिलेट कर सकते हैं, और रिलेशन क्या है, दैट इज प्रोडक्ट ऑफ M1V1 इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ M2V2। आपको नंबर ऑफ मोल्स की जानने की जरूरत नहीं है, डायरेक्टली इस फॉर्मूले से आप मोलैरिटी और वॉल्यूम को रिलेट करके मोलैरिटी निकाल सकते हैं, ठीक है। तो इस तरह का क्वेश्चन हम एक करके देखते हैं कि उसका एप्लीकेशन हम कैसे कर सकते हैं। तो देखिए यहाँ क्वेश्चन दिया है, क्या दिया है इसमें, इफ 25 ml ऑफ 0.25 मोलर NaCl सॉल्यूशन इज डाइल्यूटेड विथ वाटर टू ए वॉल्यूम ऑफ 500 ml, फाइंड द न्यू कंसेंट्रेशन ऑफ द सॉल्यूशन। तो यहाँ देखिए इस फॉर्मूले का एप्लीकेशन इस क्वेश्चन में क्या दिया है, हमारे पास एक सॉल्यूशन है, ये क्या सॉल्यूशन है, NaCl। NaCl हमें पता है कॉमन सॉल्ट है, तो NaCl का सॉल्यूशन मतलब क्या हो गया, यहाँ पे NaCl है प्लस वाटर है H2O, NaCl प्लस वाटर का सॉल्यूशन, इसे NaCl सॉल्यूशन बोलेंगे, और इसकी मोलैरिटी दी है, दैट इज M1 इसका दिया हुआ है, मोलैरिटी कितना है देखिए 0.25, तो ये 0.25 मोलर सॉल्यूशन, इसका मतलब क्या है, दैट इज 0.25 पर नंबर ऑफ मोल पर लीटर ऑफ ए सॉल्यूशन है ये। साथ ही साथ इसका वॉल्यूम क्या दिया है, इसमें जो सॉल्यूशन इस कंटेनर में कितना है, इसका वॉल्यूम दिया है दैट इज 25 ml, ठीक है। अब सिचुएशन क्या है, हम इस सॉल्यूशन को डाइल्यूट करते हैं, डाइल्यूट हम हमेशा सॉल्वेंट डाल के करते हैं, सॉल्वेंट यहाँ पे क्या है, वाटर है, तो हमने H2O डाल दिया। तो अब इसमें से जब H2O डाला तो वॉल्यूम बढ़ गया इसका, पहले कितना था 25 ml था, वॉल्यूम बढ़ के हो गया V2 हो गया 500 ml। अगर V2 500 ml हो गया है तो इसका M2 कितना होगा, मोलैरिटी तो चेंज हो जाएगी। अब इसका मोलैरिटी आपको फाइंड करना है, तो हम वही वाला फॉर्मूला यूज करेंगे, क्या करेंगे, M1V1 इज इक्वल टू M2V2, ये फॉर्मूला यूज करेंगे, और इससे हम क्या लिख सकते हैं, दैट इम्प्लाइज यहाँ पे M2 अननोन है, तो M2 विल बी इक्वल टू M1V1 अपॉन, और V2 को इसके नीचे ले आएंगे तो ये V2 हो जाएगा। तो ये फॉर्मूले में आपको केवल वैल्यू पुट करनी है, तो M2 कितना हो जाएगा, देखिए M1 दिया हुआ है 0.25, फिर V1 दिया है 25,
डिवाइडेड बाय v2 कितना दिया 500। आया समझ में? अब देखिए हम ये कैंसिल कर देंगे, 500 या 500 एंड 5 5 दैट 25 हो गया। अब 5 इसको इसको मल्टीप्लाई कर लेते हैं, 0.25 इंटू 5 कितना हो जाएगा, दैट इज 1.25 हो जाएगा। 1.25 अपॉन 100, 100 से इसको डिवाइड कर देंगे तो पॉइंट खिसक जाएगा लेफ्ट में, तो 0.0125। अब देखिए मोलैरिटी कितनी डिक्रीज हो गई, कितनी कम हो गई, तो ये M2 की जो वैल्यू आ रही है 0.0125, पहले कितना था 0.25 था, क्योंकि हमने बहुत सारा इसमें डाइल्यूशन किया है, वाटर बहुत सारा मिक्स किया है, तो ये इसका आंसर। अब देखिए मोलैरिटी का एक नेक्स्ट फॉर्मूला और लिख लीजिए, इसको लिख लीजिए इसकी हेडिंग मोलैरिटी ऑफ मिक्सिंग। ठीक है, मोलैरिटी ऑफ मिक्सिंग का मतलब क्या हो गया, हमारे पास दो या दो से ज़्यादा सॉल्यूशंस होंगे, उनकी अलग अलग मोलैरिटी होगी, उसको हम मिक्स करके एक नया सॉल्यूशन बनाएंगे, तो उस नए सॉल्यूशन की क्या मोलैरिटी होगी। तो मान लेते हैं फॉर एग्जांपल हम अभी तीन सॉल्यूशन लेते हैं, ठीक है, इसका मोलैरिटी है M1, इसका वॉल्यूम है V1, दूसरा एक सॉल्यूशन हमने लिया इसकी मोलैरिटी है M2, वॉल्यूम है V2, और तीसरा एक सॉल्यूशन लिया इसकी मोलैरिटी है M3 एंड वॉल्यूम है V3। अब हम क्या कर रहे हैं, ये तीनों को एक बड़े कंटेनर में मिक्स कर रहे हैं, तीनों को इससे 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 तीनों सॉल्यूशन को हमने डाल के मिक्स कर लिया। तो जब हमने इसको डाल के इसको मिक्स कर लिया, तो जो नया जो बनेगा जो सॉल्यूशन, उसका क्या मोलैरिटी होगा और इनसे क्या रिलेशन होगा, तो आप इस केस में ध्यान रखिए ये फॉर्मूला होगा, M1 V1 प्लस M2 V2 प्लस M3 V3 विल बी इक्वल टू MR का मतलब यहाँ पे हो गया रिजल्टेंट मोलैरिटी, और यहाँ पे V1 प्लस V2 प्लस V3 टोटल वॉल्यूम। ठीक है, समझ में आया, पहले कंटेनर का मोलैरिटी और उस पहले कंटेनर का वॉल्यूम का प्रोडक्ट, फिर दूसरे कंटेनर का मोलैरिटी वॉल्यूम का प्रोडक्ट, फिर तीसरे कंटेनर का मोलैरिटी वॉल्यूम का प्रोडक्ट, और ये लास्ट वाले बड़े कंटेनर का मोलैरिटी हो गया MR और उसका वॉल्यूम का प्रोडक्ट। ठीक है, और आप ऐसे भी लिख सकते हैं MR इज इक्वल टू M1 V1 प्लस M2 V2 प्लस M3 V3 होल डिवाइडेड बाय V1 प्लस V2 प्लस V3। तो ये क्या हो गया, मोलैरिटी का फॉर्मूला हो गया। अब इसका एक एग्जांपल करके हम समझ लेते हैं। तो ये देखिए ये क्वेश्चन इसमें क्या दिया है, 25 ml ऑफ 3.0 मोलर HNO3 आर मिक्स्ड विद 75 ml ऑफ 4.0 मोलर HNO3, फाइंड द मोलैरिटी ऑफ फाइनल मिक्सचर। तो देखिए यहाँ पे क्या है, इस क्वेश्चन में क्या बोल रहा है क्वेश्चन, कि यहाँ पे दो कंटेनर है हमारे पास, एक कंटेनर में क्या है HNO3 एसिड है, ठीक है, इसका मोलैरिटी दिया है यानी M1 दिया है, दिस इज 3.0 m, इसका वॉल्यूम भी दिया है, दिस इज 25 ml। ठीक है, साथ ही साथ दूसरा कंटेनर है और इसका इसमें भी HNO3 एसिड है और इसकी मोलैरिटी दी है, इसको M2 बोल देते हैं, दिस इज 4.0 मोलर और इसका वॉल्यूम दिया हुआ है 75 ml। ठीक है, अब ये दोनों कंटेनर को हम एक बड़े कंटेनर में मिला देंगे, ठीक है, तो इस बड़े कंटेनर का जो भी मोलैरिटी होगा इसको हम बोलेंगे MR और इसका वॉल्यूम कितना होगा, इसका वॉल्यूम होगा सिंपली V1 प्लस V2। ठीक है, और V1 प्लस V2 मतलब 25 प्लस 75 यानी 100। ठीक है, तो इसका वॉल्यूम V मान लेते हैं और इट इज V1 प्लस V2 इज इक्वल टू 100 ml। अब यहाँ पे हम फॉर्मूला लगाते हैं जैसे हमने पिछले केस में डिस्कस किया था, M1 V1 प्लस M2 V2 विल बी इक्वल टू MR, ठीक है, MR V1 प्लस V2। अब आपको ये सारी वैल्यू यहाँ दी, बस इसमें सब्सटीट्यूट करके वैल्यू निकालनी है। तो देखिए M1 है 3, V1 है 25, M2 है 4, V2 है 75 और इधर MR इंटू V1 प्लस V2 हो गया 100। ठीक है, ये 3 इंटू 25 हो गया 75 प्लस 4 इंटू 75 कितना हो गया, दिस इज 300 एंड इट इज इक्वल टू MR इंटू 100। 300 इंटू 75 कितना हो जाएगा, 375 और इधर MR इंटू
100, अब क्या करना है, 100 को यहाँ डिवाइड कर देना है 375 में, तो रिजल्टेंट मोलारिटी कितना आ जाएगी, 3.75 मोलर। तो देखिए जो नया सॉल्यूशन जो बनेगा, जो रिजल्टेंट सॉल्यूशन बनेगा, उसकी मोलारिटी कितनी होगी, 3.75, यानी इनका 3 और 4 के बीच की वैल्यू आएगी इसकी, 3.7 समवेयर इन बिटवीन 3 और 4, तो ये इसकी मोलारिटी और यही इसका आंसर है। तो समझ में आया। अब लास्ट में बस कुछ इंपॉर्टेंट टर्मिनोलॉजी हम समझ लेते हैं, इसको आप नोट कर लीजिए मोलारिटी का। यदि कोई सॉल्यूशन 1 मोलर है तो उसको हम क्या कहेंगे, उसको हम कहते हैं मोलर सॉल्यूशन, सिंपली मोलर सॉल्यूशन। ठीक है, किसी सॉल्यूशन की मोलारिटी है 1, ठीक है, लेकिन अगर किसी सॉल्यूशन की मोलारिटी है 0.5 या 1/2 हाफ मोलर, ऐसे भी कह सकते हैं, तो ऐसे सॉल्यूशन को हम कहते हैं सिंपली सेमी मोलर सॉल्यूशन। ठीक है, यदि हाफ है मोलारिटी, हाफ का मतलब सेमी होता है हमें पता है, तो सेमी मोलर सॉल्यूशन हो गया। और यदि किसी की मोलारिटी 0.1 है, और या इसको हम ऐसे लिख सकते हैं 1/10 m, तो इसको हम बोलते हैं डेसी मोलर सॉल्यूशन। ठीक है, डेसी मोलर सॉल्यूशन 1/10 के लिए यूज करते हैं। और अगर 0.01 मोलर हुआ, या इसको हम कह सकते हैं 1/100 मोलर सॉल्यूशन हुआ, तो इसको हम कहते हैं सेंटी, ठीक है, सेंटी मोलर सॉल्यूशन। और अगर 0.001 मोलर हुआ, या इसको हम कह सकते हैं 1/1000 मोलर सॉल्यूशन हुआ, तो इसको हम कहेंगे सिंपली मिली मोलर सॉल्यूशन। तो कहीं कहीं कभी कभी ऐसे टर्म्स आ जाते हैं कि भाई बोल दिया कि भाई सेमी मोलर सॉल्यूशन है, तो आप ढूंढते रह जाओगे सेमी मोलर का क्या मतलब है। तो याद रखेंगे सेमी मोलर मतलब हाफ या 0.5, वैसे ही डेसी मोलर, सेंटी मोलर एंड मिली मोलर। ठीक है, तो यहाँ पे आज हमने मोलारिटी के सारे कॉन्सेप्ट डिस्कस कर लिए हैं। तो इसके आप और क्वेश्चंस प्रैक्टिस कीजिए ताकि आपको एकदम पकड़ में आ जाए, क्योंकि मोलारिटी के ऊपर बहुत से क्वेश्चन इस चैप्टर में हम करेंगे। तो आज के लेक्चर के लिए हम इतना ही पढ़ेंगे, इसका जो आगे का वाला पार्ट है उसको हम नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे। सो दैट्स ऑल फॉर टुडेज लेक्चर, टेक केयर ऑफ योर सेल्फ एंड हैव अ नाइस डे।